हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1999 में हुए भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के बारे में, जिसमें भारतीय सेना और वायु सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया में बनवाया था और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, कारगिल युद्ध की गाथा एक ऐसी गाथा है जिसे सुन के हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा और भारतीय सेना के वीर योद्धाओं की कुर्बानी सुन के आंखों में पानी आ जाएगा। एक सामान्य दिन की तरह ही ताशी नाम गयाल नामक एक चरवाहा जो बैटेलिक सेक्टर के एक गांव में रहता था, वो अपनी आंख को ढूंढते हुए काफी आगे चला गया। उसे वहां पाकिस्तानी सोल्जर्स दिखाई दिए, जिनके बारे में उसने तुरंत भारतीय फौज को बताया। बस यहीं से अनौपचारिक रूप से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। चलिए पहले आपको बताते हैं उस पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस युद्ध को चिंगारी दी। वर्ष 1998 के अंत तक पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे। इस वजह से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कश्मीर मुद्दे को आपसी वार्तालाप से निपटने की पेशकश की, जिसके लिए वो लाहौर में एक बस लेकर भी गए पूरे भारतीय डेलीगेशन के साथ, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। उसे बस डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया पाकिस्तान से मैत्रिक संबंध बनाने का, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान भी नहीं सुधरा। उसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और बड़ी ही बेशर्मी से कारगिल के पास LOC पे स्थित कुछ बर्फीली चोटियों पे कब्जा कर लिया। अभी जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें ये जो हरे रंग का इलाका दर्शाया गया है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। इसके राइट में जो इलाका है वो लेह है। ये दोनों मिलके लद्दाख बनाते हैं। अब कारगिल के नॉर्थ में LOC के पास कारगिल युद्ध हुआ था। यहाँ के पहाड़ों पे टेम्परेचर हर समय -10 से -5 रहता ही है और तब सर्दियों का मौसम था। इस वजह से वहाँ पे किसी भी सैनिक का रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए दोनों ही देशों की सेनाएं आमतौर पर निचले इलाकों में चली जाती हैं। लेकिन 1999 मई में इस बार ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तानी सेनाएं तो निचले इलाकों में चली गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना नहीं गई। उल्टा उन्होंने हमारे उन पहाड़ों पे मौजूद चौकियों पर कब्जा कर लिया और ये बहुत ही गुपचुप तरीके से करा गया, जिसकी जानकारी ताशी नामग्याल ने दी। तारीख थी 2 मई 1999। अनौपचारिक रूप से कारगिल युद्ध की शुरुआत वहीं से हुई। इस घटना के बाद 5 मई 1999 को पेट्रोल पार्टीज भेजी गई छानबीन करने के लिए, लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया और बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद दिल्ली हेडक्वार्टर्स में खलबली मची। पाकिस्तान को भी ये खबर मिल चुकी थी। 9 मई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी शेलिंग की गई। निशाना था हमारी सेना का अम्यूनेशन डिपो, जिसे तहस नहस कर दिया गया, जिसमें 127 करोड़ का नुकसान हुआ भारत को। 10 मई 1999 कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की स्पेशल ब्रीफिंग हुई ऑपरेशंस रूम में। दिल्ली का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। चारों ओर अजीब सी बौखलाहट के बीच फैसलों का गुणा भाग चल रहा था। 14 मई को जाट रेजिमेंट की पहली टीम, जो कि सर्च टीम थी, उसको ऊपर भेजा गया। रात का समय था। कैप्टन सौरव कालिया की अगुवाई में टीम आराम कर रही थी। पाकिस्तानी आर्मी ने उन सभी को बंधक बना लिया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। सबसे पहले उनकी आंखें निकाली गईं, कानों के ड्रम्स में सरिये डाले गए, होंठ काट दिए गए, शरीर पर जगह जगह सिगरेट्स लगाई गई, लिम्स और प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए और फिर मारा गया। उसके बाद बोरे में भरकर फेंक दिया। ये अमानवीय हरकत पाकिस्तानी सेना ही कर सकती थी। अभी तक भारतीय फौज को लग रहा था कि चंद घुसपैठिए LOC क्रॉस करके आए हैं, पर इस घटना के बाद ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तानी सेना की ही हरकत है, जिसे युद्ध के ऐलान के रूप में देखा गया। यहाँ बड़ी बात यह है कि कैप्टन सौरव कालिया को अभी तक अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी कैप्टन के तौर पे। घर वालों को बाद में पता चला उनकी शहादत का, और घर वालों को उनकी लाश के टुकड़े नसीब हुए। वो कहते हैं ना, जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। 16-17 मई को ये पता चला कि कारगिल से नॉर्थ की तरफ करीब 80 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी पहाड़ियां थी सभी को कैप्चर किया जा चुका है। मतलब दुश्मन बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था और वो NH-1 को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। पाकिस्तान चाहता ही ये था, वो नेशनल हाईवे 1 को बंद करना चाहता था ताकि सियाचिन ग्लेशियर की सारी सप्लाईज को काटा जा सके और पाकिस्तान को एक टेक्टिकल एडवांटेज मिल जाए पहाड़ों के ऊपर से, ताकि वो भारत को मजबूर कर सके कश्मीर मुद्दे पर सेटलमेंट करने के लिए। दुश्मन के पास बहुत ज्यादा एम्यूनेशन था,
जिसमें स्ट्रिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल गन्स और MMG मोर्टार मशीन गन्स शामिल थे। ये सारी खबर रक्षा मंत्रालय को 18 मई को फॉरवर्ड की गई। फिर 19 मई 1999 को औपचारिक रूप से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। अब एक बड़ा फैसला लिया गया। 24 मई को सैन्य कार्यवाही निर्देशालय में एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस को जनरल मलिक ने बुलवाया इस युद्ध की रणनीति डिस्कस करने के लिए। तभी जनरल मलिक ने उनसे एयर सपोर्ट के लिए कहा। उसी के बाद एयरफोर्स का मूवमेंट शुरू हुआ। बट ये एयरफोर्स के लिए चुनौती थी, क्योंकि पहाड़ों पर एयर स्ट्राइक करना कोई आसान काम नहीं होता। एयर चीफ मार्शल ने अपनी बेस्ट टीम को इस काम के लिए भेजा। उसके बाद मुंटो डालो और टाइगर हिल्स पे इंडियन एयरफोर्स ने पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन करके दिखाया, जो कि उस कंडीशन और पहाड़ों की ऊंचाई में करना नामुमकिन था। पहाड़ों के ऊपर एयर स्ट्राइक करना इतनी ऊंचाई पर मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन ये जज्बा ही होता है जो लहू में बहने लगता है और कहता है कि दोस्त शायद इसी दिन के लिए फौज ज्वाइन की थी। 24 मई 1999 प्रधानमंत्री आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारे तथ्य, सारा साक्ष्य मीडिया के सामने रख दिया और जो कुछ भी कश्मीर घाटी में चल रहा था उसका ब्यौरा मीडिया को दिया। उसके बाद शुरू हुआ असली युद्ध। एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस जी ने एयर स्ट्राइक फुल स्विंग में खोल दी। 26 मई पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी गई। MiG-21, MiG-27 और MiG-17 हेलीकॉप्टर साथ में उड़े। अब बारी थी आकाश में लड़ाकू फाइटर जेट्स को अपना दम दिखाने की। इसके साथ निचले इलाकों में इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और इन्फेंट्री की डिप्लॉयमेंट की गई, जिसके साथ इंडियन आर्मी का ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुए। हमारी एयरफोर्स और आर्मी हर कदम फूक फूक कर रख रही थी। तभी 27 मई को एक हादसा हुआ, जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपना MiG-27 लेकर उड़े और दुश्मन पर हमला करने का सोचा, तो दुश्मन जो कि ऊंचाई पे था उसने स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला किया, जिसने MiG-27 को हिट किया। प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा। लेफ्टिनेंट नचिकेता ने जमीन से थोड़ी ही ऊपर इजेक्ट किया। बस प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने LOC के उस पार लैंड किया। उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय अहूजा ने जवाबी कार्रवाई के लिए मिग से उड़ान भरी। फिर से दुश्मन ने स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला किया। फिर वही हुआ, उन्होंने भी इजेक्ट किया, लेकिन लैंड करने से पहले ही उनको पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हजारों गोलियों से छलनी कर दिया। उनकी लाश के टुकड़े जमीन पर गिरे। अब भारतीय सेना बहुत ही बड़े और आक्रामक रूप से पाकिस्तान पे हमला करने लगी थी। 28 मई को हमारे MiG-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। काफी नुकसान हुआ हमारा, लेकिन अब आंखों में आंखें डालकर घूरने की बात हो गई थी। तोपों से तोपों की बात हो रही थी, स्ट्राइक से स्ट्राइक की बात हो रही थी। इसी कारण पाकिस्तान की तरफ से शैलिंग बहुत बढ़ा दी गई थी। इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा और हम रात में हमला करने लगे। 5 जून को घुसपैठिए काफी अंदर तक आ गए थे। उनमें से 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनमें उनके आर्मी ID कार्ड्स थे। अभी तक ये राग लापा जा रहा था कि वो घुसपैठिए हैं, वो बंद हो गया। पाकिस्तानी आर्मी को वो डॉक्यूमेंट्स भेजे भी गए और उन्हें मीडिया में भी दिखाया गया। अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, घुसपैठिए नहीं। भारतीय फौज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और 6 जून को अपनी पूरी ताकत से 3 डायरेक्शन से हमला किया गया। यहाँ से ट्रायंगुलर हमलों की शुरुआत हुई। तीनों तरफ से बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज झेल रही थी हमारी फौज, लेकिन आगे बढ़ रही थी। और 9 जून को बटालिक सेक्टर की 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हासिल कर ली गई थी। 13 जून एक बड़ा दिन था, क्योंकि तोलोलिंग पहाड़ के द्रास सेक्टर पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया था। 15 जून को अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन किया और सलाह दी कि वो अपनी सेना वापस ले लें। 14 जून से 28 जून तक शैलिंग और फायरिंग चलती रही। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा था, मामला बराबरी का ही चल रहा था। उसके बाद 29 जून को टाइगर हिल के 2 वाइटल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, जो कि थे पॉइंट 5060 एंड पॉइंट 5100। 2 जुलाई को बड़े निर्णय लिए गए, स्ट्रेटजीज बदली गई। फिर 3 जुलाई को लगातार 14 घंटों तक भयानक मुठभेड़ चली, पर मुठभेड़ के दौरान सुबह हमने टाइगर हिल पर फतह हासिल की। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। 5 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने पूरे द्रास सेक्टर का कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया और उस दिन नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी का। 7 जुलाई बटालिक सेक्टर में जुबार हाइट्स को हमने हासिल किया, जो कि फिर से एक बड़ा दिन था। 11 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अपना विड्रॉल शुरू कर दिया था।
पाकिस्तानी फौज पीछे हटने लगी थी और जितने भी की पॉइंट्स थे बैटालिक सेक्टर में, इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा पूरी तरह उन पर वापस पा लिया था। 14 जुलाई को आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की जानकारी पूरे देश को दी और पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा, अगर अब बात होगी तो केवल हमारी शर्तों पे। 15 से 25 जुलाई बहुत ज्यादा बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए पूरी घाटी में और उसके बाद हमारे जिन सैनिकों की शहादत हुई थी उनकी चिताएं जलाई गई। पर बात उससे भी बड़ी ये है, हमने दुश्मन की जो लाशें थी हमारी सीमा में उन्हें भी सम्मान से दफनाया। पाकिस्तानियों ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। यही है युद्ध का असली नियम, सिपाही किसी भी देश का हो वो अपने देश के लिए लड़ता है और हम इसकी इज्जत करते हैं। यही है भारतीयों के संस्कार और एक सच्चे भारतीय की निशानी, और ये एक सिपाही का हक भी है, उसे हक है इज्जत से दफन होने का। 26 जुलाई कंप्लीट इवेक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, ये इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया और इसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस की घोषणा की गई। दोस्तों, इस युद्ध में करीब 500 भारतीय और करीब 400 से 4000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी ने देश के बच्चे बच्चे को इंस्पायर किया। ऐसा पहली बार था कि दो न्यूक्लियर नेशंस आमने सामने थे, मगर हमारा देश झुका नहीं, डरा नहीं, अपने हक के लिए लड़ा। हमने विदेशों से सपोर्ट नहीं लिया। US अक्सर पाकिस्तान की ओर से बोलता था, ये हमारी सेना की बहादुरी का परिणाम है जो हमारे देश को एक रखता है। दोस्तों, इस युद्ध में कुछ ऐसी भी कुर्बानियां हुई थी जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल पर विजय दिलाई थी हमें। हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में भारत माँ के सपूत परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।